हाँ और आप लोग बताइए, आप लोगों का सिलेबस कितना कितना हो गया है आप लोगों के स्कूल्स में? मेमोरी रिविजन चला है, हाँ अरे रिवीजन चल गया, मीन्स कंप्लीट हो चुका है सारा सिलेबस? जी अरे वाह, वेरी गुड, फिर तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा, फिर तो और भी मजा आ रहा होगा पढ़ने में। मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, रिकॉल हो रही होंगी चीजें, हाँ ये पढ़ा था कुछ महीनों पहले हम लोगों ने। वेरी यस मैम। गुड वेरी गुड, चलो अच्छी चीज है। अच्छी बात है। फिर तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, राइट? यस मैम। अच्छा ये बताइए, कल का जो भी पढ़ाया था आप लोगों को अच्छे से समझ आया? हाँ जी मैम। चलो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? गुड, नो मैम। अच्छी चीज है, अच्छी बात। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप हाँ नोट, आई थिंक आपकी क्लास में से मांगे थे किसी ने नोट्स? किस क्लास में से लिए थे? आई थिंक गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? मैं आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ठीक हूँ बेटा, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वेट कर रही हूँ आप लोगों का, सबका ज्वाइन करें एंड देन फिर हम पढ़ें। फाइन मैम, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन बेटा। हेलो मनीष, हाउ आर यू? हेलो 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 एवरीवन, हेलो। अच्छा आप लोगों को केमिस्ट्री में सब कुछ समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है? बोर तो नहीं होते हो? पहले ये बताओ, बोर तो नहीं होते आप लोग? नो मैम। नो मैम। सही, ठीक है। किसी को नींद तो नहीं आ रही कि नींद के झटके ले रहे हैं क्लास में? चलो नो मैम। फिर ठीक है, फिर ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वरना भाग जाते हैं, अदरवाइज सो जाते हैं, है ना? वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो हम स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट करें? चलिए पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा रिकॉल हो जाए तो इट्स बेटर रहेगा, ठीक है? कल जितना भी पढ़ाया था मैं थोड़ा थोड़ा सबसे पूछ लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा यार थोड़ा नो मैम। सा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा मस्ती सी हो जाएगी, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, ठीक है? और आपको ये भी रहेगा कि हाँ चीजें याद हो रही है हमारी, ठीक है? चलो आप भी प्रैक्टिस कर दीजिएगा, देन आफ्टर दैट मैं आप लोगों से जिसके भी हैंड रेज होंगे मैं उनसे पूछ लूंगी, ठीक है बच्चों? अच्छा चलो, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट
व्हाट यू मीन बाय कंपाउंड? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ए सिस्टम विच इज ऑब्टेन टू और मोर एलिमेंट्स इन अ ओके, ओके, वेरी गुड. एंड प्योर सब्सटेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस? मैम, जो एक डेफिनेट रेशो होती है जिसकी क्या होता है प्योर जिसकी सब्सटेंस? डेफिनेट रेशो होती है, माइक ऑफ कर लो, और जो जो आंसर करेगा सिर्फ उसी का माइक ऑन होना चाहिए. ठीक है, आप बोलो प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब होता है. जो एक डेफिनेट रेशो में होती है जिसकी ओके, डेफिनेट रेशियो होता है. और क्या बोल सकते हैं? प्योर का मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय प्योर? बताएगा कोई? व्हाट यू मीन जिसमें बाय? कोई और चीज ना मिली हो, जिसमें कोई और चीज ना मिली हो. वेरी गुड. मीन्स जिसमें किसी का मिक्सचर ना हो, किसी दूसरी का, दूसरे सब्सटेंस का कोई कॉम्पोजिशन ना हो. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड. गोल्ड क्या हो गया? हमारा एक प्योर सब्सटेंस है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है. ठीक है, लाइक सिल्वर. सिल्वर में कोई मिलावट नहीं होती है, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस. कॉपर. कॉपर क्या है? वो भी एक प्योर सब्सटेंस है, उसमें भी कोई मिलावट नहीं होती है, हमें एक प्योर फॉर्म में मिलता है. गुड इवनिंग ईशा, वेलकम टू द क्लास टीचर. ठीक है, अच्छा चलो. इफ आई आस्क कि हमारा डेली लाइफ में केमिस्ट्री कहाँ पर यूज होती है, तो कौन एग्जाम्पल देगा? तो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, देन आई विल गुड आस्क. इवनिंग मैम. यस, गुड इवनिंग बच्चा, हाउ आर यू बच्चे? यस फाइन मैम, आप मीनाक्षी, कैसे हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन. यस मीनाक्षी, प्लीज टेल मी, हम कहाँ यूज करते हैं अपना केमिस्ट्री को मैम डेली लाइफ में? इन एग्रीकल्चर, इन हेल्थ, इन फूड. वेरी गुड. मीन्स हर एक चीज में हम अपनी केमिस्ट्री को यूज करते हैं. इवन जो हमारी बॉडी है उसमें भी ये क्या है? एक केमिस्ट्री है, राइट? जो हमारी बॉडी है वो क्या है? केमिस्ट्री से तो बनी है कि नहीं? है यस मैम. ना? अच्छा चलो, मैंने कल आई थिंक आप लोगों की क्लास में पूछा था. मैं पूछूं कि ये एसिड है, ये बेस है, आप कैसे स्पेसिफाई करोगे एसिड और बेस को? प्लीज बताइए, कैसे एसिड बताओगे? जो होती है ओरिएंटेशन, क्या हो गया जो ये साचन? प्लीज टेल मी. एसिड्स खट्टे होते हैं स्वाद में और बेसिस कड़वे होते हैं. ये क्या हुआ? तुमने एसिड चख के भी देख लिया आज? लिटमस पेपर में देखेंगे मैम, जब उनकी चेंज कलर टर्निंग चाहिए तब उनकी होती पीएच है वैल्यू. वे पीएच वैल्यू. पीएच वैल्यू से हम क्या करते हैं, उन लोगों जो हमारे पीएच वैल्यू है वो बताता है कि जो चीज है क्या ये एसिड है या फिर बेस है, राइट? अब मैं पूछू हमारा जो पीएच स्केल है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? ये क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर अमन. 7 तक हम्म, मैम. 1 to 14, 1 to 14. समय हाँ, तो 14 तक होते हैं, बट मैं एक वो लेके रही हूँ, 7 7 14 दोनों को मिला के. 7 7 बता दिया कि मैम देखो 7 7 होता है. कि 7 बेस का हो गया और 7 बांट लिया एसिड ने, तो मैम देखो आधा आधा बांट लिया दोनों ने, अब अपना देख लो. आपको क्या करना है. अच्छा न्यूट्रल क्या होता है? मैं बोलूँ कि कोई ना एसिड है ना बेस है, वो क्या होता है? न्यूट्रल वैल्यू क्या होती है? सेवन. मैम 7, मैम 0, मैम 7. हाँ, जो 7 होती है वो क्या होता है? हमारा न्यूट्रल होता है. जो एक 7 पॉइंट होता है उससे जो नीचे वाले होंगे वो क्या होंगे हमारे? बेस अच्छा नहीं, एसिड एसिड. रे, मैं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ
जीरो से जो सिक्स होते हैं, 7 को छोड़ो, जो 0 से 6 होते हैं वो बेस होता है। इस चीज को कौन कौन मतलब स्पेसिफाई सही मानता है? रेज योर हैंड्स कि हाँ मैम आप सही बोल रहे हो और आप गलत बोल रहे हो। जो सही बोल रहे हो वो पहले तो वो रेज हैंड करो कि 0 से जो 6 होते हैं वो बेस होते हैं। कोमल, वेरी गुड। अच्छा, और इस पूरी क्लास में सिर्फ कोमल ही गलत मैम आई थिंक बिफोर 1 2 बिफोर 7 देर इज एसिडिक एंड आफ्टर 7 देर इज है। बेसिक। यस, मैंने जानबूझ के गलत बोला था। देखो तो सही कि मैम जो बोल रही है सिर्फ वो उसे ही सही मान के चलते हो या फिर कुछ अपना दिमाग भी लगा रहे हो। ठीक है, तो जो हमारा 0 to 6 होता है वो क्या होता है बच्चों? एसिड। एडीसी ठीक है, और जो 7 अबव होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। एसिड ठीक है, अच्छा जो लेमन होता है वो क्या होता है? एसिड या बेस? एसिड एसिड ना, एसिड होते हैं, एसिड होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, जो भी जिनमें टार्ट्रिक एसिड होता है वो टार्ट्रिक होता है, उसमें एसिड बोलते हैं ना, टार्ट्रिक एसिड, तो वो उसमें एसिड की कैटेगरी में आ जाते हैं। चलो, वेरी गुड। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई आस्क यू लाइक व्हाट डू यू मीन बाय SI, SI यूनिट्स, जो हमने कल कराई थी ना SI यूनिट्स, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम्स सिस्टम, ऑफ इंटरनेशनल। यूनिट वेरी गुड। अच्छा, हमारी डेराइव इंटरनेशनल यूनिट्स क्या सिस्टम ऑफ होती है? वेरी गुड, जो डेराइव होती है उसमें क्या हुआ? जो SI यूनिट से डिराइव होके एक यूनिट बनती है वो डिराइव यूनिट्स होती है। वेरी गुड। अच्छा, हमारी SI यूनिट जो हमारी बेसिक जो होती है, फंडामेंटल SI यूनिट्स होती हैं, वो कितनी होती हैं? कौन बताएगा मुझको? सेवन वेरी सेवन गुड, वेरी गुड। अब मैं जिसका नाम लूंगी ना, दो दो फंडामेंटल SI यूनिट के नाम बताएगा। हर्षितिका, यस प्लीज टेल मी। मैम लेंथ और मास वेरी गुड। अनुराधा, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वेरी गुड। सुनिधि, मैम इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी 6 हो गई। सोनम, मैम टाइम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। अब मेरे को बताओ, मेरे को कौन समझाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी? कौन समझाएगा मुझको? शिवानी, प्लीज इलेबोरेट करो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, मुझे समझाओ। मुझे नहीं पता कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है, तो प्लीज मुझे समझाइए। गायब? नहीं समझाना मैम को? अरे मैम जानना चाहती है भाई। यस रितिका, आप समझाइए आप अपनी मैम को कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। मैम जैसे कि लाइट का कोई सोर्स है जैसे बल्ब जैसे कि हमने एकदम से तो चलो बच्चू, आपकी लाइट वो जो है ना, वॉइस बहुत क्रैक हो रही है, मुझे सुनाई नहीं दिया अच्छे से। ल्यूमिनेशन ऑफ लाइट स्पेसिफाइड वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, बट इतना है कि हाँ आपने बताया सही है। बीच बीच में जितना भी आ रहा था वो बिल्कुल सही सही बोल रहे थे। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है SI यूनिट में, किसमें मेजर करते हैं? साक्षी, कैन यू टेल मी? साक्षी, यस साक्षी, मैम यस कैंडीला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडीला। वेरी गुड। ओके, अगर हम बोले कि वो जो सब्सटेंस होता है उसको कैसे मेजर करेंगे, उसको ग्लो ग्लोबल मेजर किसमें करते हैं? मोल क्या होता है, कौन बताएगा मुझको? मोल क्या होता है? रितिका, कैन यू टेल मी मोल क्या होता है? मैम मास ऑफ मोल सम कंटेन मैनी पार्टिकल्स दिस पार्टिकल आर कॉल्ड मोल
वेरी गुड। जो हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। उनकी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? हम मोल बोलते हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मेरे को बताओ, जो हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम को जो हम मेजर करते हैं, वॉल्यूम को किस किस टर्म में हम बोलते हैं? कैसे मेजर करते हैं वॉल्यूम को? डेंसिटी, मीटर। कौन बताएगा? मीटर किसी ने क्यूब बोला में। था। हाँ बिल्कुल सही। तो हमारा जो वॉल्यूम होता है वो हम किस में करते हैं? मीटर क्यूब में। ये मीटर क्यूब कैसे आया? कोई मुझे समझाएगा, कोई एक्सप्लेन करेगा मीटर क्यूब ही क्यों आया? मैं बोलूँ साइंटिफिक वन बाय वन। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू तो हाइट। एरिया, हाँ, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और इन सब को हम मेजर करते हैं मीटर में। जब हम मीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड मीटर क्यूब। ओके, तो आप लोगों ने कल बहुत अच्छे से पढ़ा था, आप लोगों को सब कुछ आता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस मैम। ओके, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके चलो, गुड, फाइनली। तो ये सब हमने पढ़ लिया था, फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी एसआई यूनिट्स भी हमने पढ़ ली थी, डिराइव्ड यूनिट्स भी हमने पढ़ ली, ठीक है ना? चलो अब हम बात करते हैं, जो आज का टॉपिक है वो हम यूज करते हैं, हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है हमारा प्रिफिक्सेस। अब मुझे बताओ कि हमारा प्रिफिक्स का मतलब होता क्या है? क्या होता है प्रिफिक्सेस का मतलब? कौन बताएगा? आगे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रिफिक्स का मतलब होता है जो हम आगे यूज करते हैं। प्रिफिक्सेस मीन जिनको हम आगे के लिए यूज करते हैं, जिन्हें हम आगे लगाते हैं विद द नेम, है ना? किसी नाम के आगे जो हम बेसिक यूनिट लगाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिफिक्सेस, है ना? ठीक है। अच्छा, मैंने पूछा कि मैं बोल रही हूँ 10^0, तो इसका क्या मतलब होता है बच्चा? समझाएगा कोई मुझे कि 10^0 का क्या मतलब होता है? इज वेरी गुड, क्योंकि किसी की भी पावर हमारी जो वन इक्वल होती है, किसी की पावर हमारी जीरो होती है, वो क्या होता है? ऑलवेज वन। चाहे टू वो 1 की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, 3 की पावर 0 हो, या फिर किसी की भी पावर 0, दैट इज इक्वल टू ऑलवेज वन। ओके, वन। ठीक है। नाउ वी हैव, दिस इज कॉल्ड 10^0। इफ वी हैव लाइक 10^1, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 10^1 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डेका। क्या बोलते हैं हम देखा इसको? डेका। देखा हाँ, देखा डेका। अगर मैंने बोला कि 10^2 मीन्स, जैसे 10^2 का मतलब क्या होता है? मीन्स ये दो जीरो है ना, ये जो जीरो है ये इसकी वैल्यू 2 है, ये 1 है इसकी वैल्यू 2 नहीं है, जबकि जो हमारा पीछे है ये 0, दैट इज इक्वल टू 2, है ना? तो दैट इज कॉल्ड हेक्टो। इसको क्या बोलते हैं हम? हेक्टो। अब आपने बोला किलो, आपको पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? कितने ग्राम के इक्वल होता है बेटा 1 केजी? 1 केजी में कितने? 1,000 ग्राम 1,000 ग्राम 1,000 ग्राम ना। अब यहाँ पे देखो, जो हाँ आपकी जी। जीरो है वो कितने टाइम है? थ्री ऐसे लिख सकते हैं ना कि 10^3 मीन्स जो हमारा 10 है उसको हम 3 टाइम्स लिख रहे हैं, 10 10 10, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या होता है हमारा? किलो। उसको जो हमारा 10^3 होता है उसको बोलते हैं किलो। अब इसका जो डबल होता है मीन्स, अब अगर मैंने बोला कि इसका पावर है, अब मैंने पूछा ये पावर है, तो पावर क्या होगा? इस 10 का भी पावर होगा या सिर्फ इस 3 का पावर? इसको 3 को कर देंगे हम,
अब थ्री में भी इसको हम ऐसे लिखेंगे, थ्री की पावर है तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे कि थ्री टू द पावर थ्री थ्री थ्री, ऐसे थ्री थ्री जा नाइन होगा या फिर थ्री टू जा सिक्स होगा, कोई बताएगा मुझे? मैम 3 2 6। हाँ, क्योंकि जो हमारी पावर्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि हम अपने बेस को, है ना? तो हमारा क्या हो जाएगा, 10^6 होता है मेगा, उससे ऊपर होता है हमारा 10^9, दैट इज कॉल्ड गीगा, 10^12 इज कॉल्ड टेरा, राइट? एंड पेटा फॉर द 10^15 एंड एग्जा फॉर द 10^18। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव। अभी तो हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे थे, हमारे पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे थे, राइट? लेकिन अब किसके में, यस सोनम बच्चा, वांट टू से समथिंग? यस सोनम, कुछ कहना है बेटा? कैन यू रेज योर हैंड? ना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। सॉरी, हेलो, एक बच्चा आया फिर चला गया। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम नेगेटिव टर्म्स की। आपने बोला होगा डेसीमीटर। डेसीमीटर क्या क्या मतलब होता है? डेसीमीटर का मतलब होता है कि हम 1/10 रखें, है ना? अब यहाँ पे जीरो कितनी है, वन है। अगर इस हमको लिख दे कि 10^1, लेकिन जब हम देखते हैं इस वन को, जब हम ऊपर लेके जाते हैं, तो ये हम पॉजिटिव से क्या चेंज हो जाता है, नेगेटिव में। तो हम क्या लिख नेगेटिव। सकते हैं, 10^-1। अच्छे से देख लेना, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ना मैं क्वेश्चंस करने वाली हूँ इसी टेबल में से, ठीक है? 10^1-1 इज कॉल्ड डेसी, ठीक है? एंड 10^-2 इज कॉल्ड सेंटी, वो सेंटीमीटर वाला। 10^-3 इज कॉल्ड, -3 इज कॉल्ड मिली। 10^-6 माइक्रो। 9 नैनो, 9 नैनो, 9 से क्या बन गया, नैनो। पिको से क्या बना, नैनो 12। पिको इज 10 कॉल्ड 12। फेमटो, फेमटो इज कॉल्ड 15, 15 15 फेमटो, F4 15, F4 फेमटो, ठीक है? 18 ऑटो, 18 हमने ऑटो चलाया, 18 ऑटो, 18, ठीक है? तो 10^-18 इज ऑटो, ठीक है? अच्छा चलो, अब मैं पूछूं, हो आ रिमेम्बर अच्छे मैम। से, या फिर दिखाऊं टेबल को एक बार दिखाऊं? यस मैम, चलो यस मैम, रिपीट। एक बार टेबल को दिखा देती हूँ, 2 मिनट। इसको देखती हूँ, इरेज भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए, फिर इसको थोड़ा सा रिकॉल करो, एंड देन आफ्टर दैट मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगी इसके बारे में, ठीक है? चल, चलो हो गया क्लियर? कर दी साफ सफाई आप यस लोगों की? आज तो मैम से आप लोगों ने पोता लगवा दिया। चलिए अब मैं पूछूं। ओके, यस मैम, यस। चलो भाई, पहले ना सब अपने अपने हैंड रेज करो, तभी तभी मैं पूछूंगी। पहले रेज हैंड रेज करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चलो, बस 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 बस। अच्छा चलो, पहले मैं पूछती हूँ रितिका से। रितिका, ओके, रितिका यस मुझे मैम। बताओ फैमटो का मतलब क्या होता है बेटा? फैमटो, मैम मैम सेंटो फेंटो, फेंटो, FEMTO, F, FEMTO। अब इसका क्या था बताओ? मैंने बोला भी था, मैम 10^-15। यस मैंने बोला था फेमटो, 15 15 फेमटो, F4 15 F4 फेमटो, यस ऐसे मैम, बोला था मेरे ना? को, यस मैम, मेरे को सुनाई दे रहा था।
चलो आप मेरे को कौन बताएगा? पिको, मीनाक्षी। मैं बताऊं हाँ बता। मैम, 10 to 12 यस, वेरी गुड, 10 raised to power -12 -12, ना कि 12। ठीक है, चलो आप बताओ मेरे को, बताओ एग्जाम। एग्जाम 10 raised to power 18 अच्छा चलो, 10 raised to power 18 हेक्सा, 18 हेक्सा, हेक्सा है। 10 raised to power वैसे तो हेक्सा तो हमारा 16 होता है, टेन 16 एग्जाम 16 यूज करते हैं हमारे मैथमेटिकल टर्म्स में। ठीक है, हेक्सा मीन्स होता है 16। ठीक है, अच्छा गीगा, गीगा क्या होता है? टेन गीगा का मतलब होता है 10 raised to power 9। वेरी गुड, गीगा। यस, अ नैनो, छोटा 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 छोटा, नैनो मीन्स छोटा, 9 मीन्स नैनो, दैट इज नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा, तो वो चीज क्या होगी? बहुत टाइनी होगी ना, वो नैनो कार देखी ना आप लोगों ने, नैनो कार टाइनी सी होती है ना, क्योंकि टाइनी सी होती है, तो वो क्या होती है? वो 10 raised to power -9 की पावर होती है, वो नैनो कार होती है ना। चलो अब बात करते हैं हमारे यूनिट्स और डायमेंशन एनालिसिस की। अब हम क्या करते हैं, हम अपने यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन का मतलब हमको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं ना किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? मैंने बोला 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम को हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे बोलोगे आप उसको? बताओ ना, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, कोई मुझे बताएगा? 1000 1000 ग्राम 1000 ग्राम होता है। अब मैंने बोला कि 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम में, तो 3000 से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 3000 ग्राम है ना। अच्छा अब मुझे बताओ, इफ आई आस्क यू कि 1 आवर होता है, उसमें कितने सेकंड्स होते हैं? मुझे अब पहले ना सब वन बाय वन, अब मैं पूछूंगी तुम लोगों से। कोमल बेटा अब बता, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 मैम। वेरी गुड, 60 के साथ ही सीख रहना। महक बेटा कितना कितने सेकंड होते हैं 1 आवर में? मैम 1440। अरे वेरी गुड, अच्छा। खुशी बेटा कितना होता है 1 आवर में, कितने सेकंड्स होते हैं? मैम 60 मिनट्स इन 1 आवर ये तो एंड वी ठीक है, विल ये तो ठीक है। मल्टीप्लाई 60। तो कितना हुआ मैम? मैं बताऊं, 3600। 6600 या तो मल्टीप्लाई करना नहीं आता। वेरी गुड, 3600। हाँ ये 3600 किसने बोला है? अपना वेव करो हैंड, जरा फिर से मेरे को वेव करो अपने हैंड को। तो जो बच्चा पहले, तो जिन्होंने बनाया, फिर से अच्छे से अब सुनो, अच्छे से सुना, कभी लाइफ में इसको भूलना नहीं। हमको पता है कि हमारे 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ठीक है, और हर एक मिनट कंटेन करता है हमारा 60 सेकेंड्स को। तब ये 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 में 60 होंगे ना। 1 आवर में हमको सेकंड में जाना है, तो जब 1 मिनट में 1 आवर में हमारे 60 हो गए, और 1 मिनट में 60, तो ये 60 तो इससे मल्टीप्लाई होगा ना, 60 मल्टीप्लाई 60, दैट इज कॉल्ड 3600। ठीक है, अब समझ आया? और इन्होंने भी बड़े अजीब अजीब से आंसर्स दिए हैं ना, वो अब कभी भूलना नहीं। ठीक है, फिर से बताओ कट कट क्या रहा?
आवाज। अरे बता, अरे बाप रे, ठीक है बताती हूँ, फिर से बताती हूँ। देख गुस्से में बोली है। ठीक है, वन आवर होता है, वन आवर इज हमारे, वन आवर में कितना मिनट होता है? मैं बोलूं कि हमारा 60 मिनट का एक घंटा होता है, होता है कि नहीं होता? होता है ना। यस मैम। जो हमारे मिनट सूर्य है, हमारी क्लॉक होती है, वो हमारे 5-5 मिनट होते हैं कि नहीं होते? Yes, है ना। पांच मिनट ये 12 बार होते हैं, 12 टाइम होते हैं। अब 12 × 5 कितना हो गया? 60 ना। तो हमारा 1 आवर्स किससे बन गया? हमारा 60 मिनट्स में हो गया। अब हमारा जो हमारे 60 मिनट है, जो 1 मिनट है, 1 मिनट में जो हमारे चुन्नू चुन्नू से होते हैं वो कितने होते हैं? 60 सेकेंड। क्योंकि जब तक हमारे 60 टाइम्स है, वो क्या कहते हैं हमारी वो बड़ी बड़ी है, निडल है, जब कितने 60 टाइम पे जाएगी, घूमेगी, तब हमारा एक बिटू एक बार ना लेफ्ट आउट करके ना फिर से ज्वाइन करो। और जो किसी बच्चे ने आई थिंक अपना म्यूट अनम्यूट कर रखा है, उसको म्यूट पे कर दो, क्योंकि मेरी वॉइस ना इको हो रही है। हाँ थैंक यू बच्चे, आई थिंक अब मेरी वॉइस क्लियर होगी। क्लियर है? अब आ रही है। हाँ जब ना बीच में कोई माइक ऑन कर देता है ना, तो आवाज की प्रॉब्लम होने लग जाती है। सो प्लीज जब जब भी नीड हो तभी अपना माइक ऑन कीजिए, ठीक है बच्चा, वरना दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है बेटा। यस मैम। हाँ चलो मेरे अच्छे बच्चे, ठीक है। अब है 1 मिनट में हमारा क्या हो गया? 60 सेकेंड हो गए ना, है ना। यस मैम। 1 आवर में हमारे 60 मिनट हो गए, 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड हो गए। तो मैंने पूछा अब 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 30 सेकेंड पूछ रहा है ना। अब ये मिनट है, जब मिनट में 1 मिनट 60, तो 1 मिनट 60 × 60 ना, दैट इज कॉल्ड 3600। हाउ मच? 3600। सॉरी गिव मी अ सेकेंड। हाँ जाओ मामी से ले आओ पानी, मामी से ले आओ, मामी से ले लो, जाओ। सॉरी मम्मा, गो, आई सेड गो, सॉरी। ठीक है, अब समझ आया? तो हमारे 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, समझ आ गया ना? यस मैम। बोलोगे अब? नहीं भूलना, पक्का? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, अब मैं पूछूं। अच्छा चलो, अब टाइम से बात कर रहे हैं तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि 8 मिनट में कितने सेकंड होंगे भाई? 8 मिनट में कितने सेकंड होंगे? क्विक क्विक, 8 मिनट कितने सेकंड? 400। क्योंकि मिनट है, आप सिंपल क्या करोगे, मिनट है, सेकंड में चेंज करो 60 को 8 से, 8 × 8 = 4800। 4800 4800 नहीं बेटा, 480। ठीक है, 480, क्योंकि हम मिनट है, मिनट को सेकंड में चेंज किया। अच्छा चलो बताओ, अब बताओ मैं बोलूं कि 6 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं? 6 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं? 360 ना, cos 6 multiply by 60, that is called 360. Very good. Okay, चलो अच्छी बात है, अब समझ आ गया आपको? Yes, 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 समझ आया? किसी को कोई डाउट? नो मैम, नो मैम, नो मैम। चलो अब मूव ऑन करें नेक्स्ट पे। चलो अब फिर से कन्वर्ट करो, मैं बोलूं कि ये 0.74 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है, इसको पिकोमीटर में करो। ठीक है ठीक है, पिकोमीटर में करो। एंड मैं बताती हूँ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है, 10^10। कितना होता है? 10^10। ठीक है, 10^-10, सॉरी 10^-10 होता है, 10^10 नहीं, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10^-10। ठीक है, आप चलो सॉल्व करो, कौन करेगा? अब कौन कर रहा है? मैम 7000। 7000
आओ कैसे देखो मैं बताती हूँ देखो हमारा क्या है 0.74 है। अब हमने पहले ए को करा, अब जानते हो ए है इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो इसकी जो यूनिट है जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में ही हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड 0.74 × 10⁻¹¹. अब हमारे पास क्या है, हमको पीकोमीटर। अब पीकोमीटर में कितना होता है कौन बताएगा? पीको होता है 10⁻²¹¹ and we have 0.74 × 10⁻¹¹ and we have here picometer में चेंज करना है 10⁻²¹¹. अब यू नो दैट ये −12 जब ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? +12 में। अब आपको पता है जब माइनस और प्लस होता है तो क्या करते हैं हम? माइनस करते हैं, लेकिन जो हमारा साइन आता है वो आता है जो हमारा लार्जर वैल्यू होती है। अब जो हमारा 12 ग्रेटर है तो +12 and −10 = +2 एंड वी हैव 0.74। लेकिन अब डेसिमल को चेंज किया, ये पॉइंट हटाया, ये हमारे कितने हो गए? 100। ये भी हमारा 100 है ना, 10⁻²¹¹. ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट एंड वी हैव 74 पीको मीटर, राइट? यस मैम। चलो वेरी गुड। हाँ अब बात करते हैं एक और नई चीज है हमारे पास। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी? मैम आप एक और बार रिपीट करोगे वो वाला क्वेश्चन बच्चा? यस मैम। अच्छा चलो मैं यही रिपीट करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास था कि हमारे 0.74 आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू है, ठीक है, हमको इसको पिकोमीटर में चेंज करना है। अब आपको पता है जब किसी चीज को चेंज करते हैं वो अपॉन में आ जाती है, ठीक है। अब हमने पहले किया, इस आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू ली हमने, इसका 1/ लिया, तो हमारा सिंपली इसको सीधा डायरेक्ट किया 0.74 आर्मस्ट्रॉन्ग था हमारा 10⁻²¹¹, ठीक है। अब ये पीकोमीटर है तो इसको क्या करेंगे? पीकोमीटर जानते हो दैट इज कॉल्ड 10⁻²¹¹. अब ये −12 जैसे ही ऊपर गया, ये −12 क्या हो गया? +12 हो गया। तो अलग अलग लिखने की बजाय क्या लिखोगे इसे? 0.74 × 10⁻¹¹ + 12। अब इसको एक ले लो वैल्यू, ये क्या हो गया? −10 + 12 = 2 ना, 12 में से 10 गया तो 2 ही तो बचा। अब वैल्यू तो वही लेंगे जो हमारा जो ग्रेटेस्ट डिजिट होता है, इसके सामने क्या है? प्लस साइन है तो प्लस, तो ये 10⁻²¹¹. अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटा दिया, बिल्कुल ही हटा दे, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लेके आ रहे हैं, कहते हैं ना सिमिलर फॉर्म, सिंपलर फॉर्म में इसको हटाया तो हमारा क्या आया नीचे? 100। अब ये 100 है, ये 10⁻²¹ है, 10⁻²¹ को भी हम 100 ही लिखते हैं। इस 100 से ये वाला 100 कैंसिल आउट, सिर्फ सिंपल क्या बचा? 74। किसमें चेंज करना था हमको? पीको मीटर में, ठीक है? यस मैम। यस मैम। अच्छे से क्लियर हुआ अब? यस मैम। अच्छा चलो अब मैं आपको पूछती हूँ, मतलब एग्जांपल है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी? क्या डिफरेंस होता है? शांति वर्तो अब 2 मिनट के लिए। अब मैं पूछती हूँ आप लोगों से, आप बताइए, कोमल बताओ, कोमल प्रीसीजन क्या होता है बेटा? क्या मैम मैं बोलू? If two elements can be combined to form more than one compound, the mass of one element that is combined with a fixed mass of the other element R is called ratio of small value number. ये क्या पूछ, मतलब क्या हुआ आपने कि किसकी डेफिनेशन दे दी हुई आपने? मैं एक सिंपल टर्म में मैंने क्वेश्चन पूछा है, आचल आप बताओ, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन?
आवाज कट रही है बच्चा आपकी बहुत ज्यादा, वॉल्यूम मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं है आपकी आवाज। कौन बताएगा मुझे फिर से? छवि आप बताओगे? आप गिव इट अ ट्राई बेटा, आप ट्राई करो। क्या होता है प्रीसीजन का मतलब, क्या होता है बच्चे? मैं बताऊं? हाँ बेटा बताओ। जिसमें इंडिविजुअल वैल्यू और अर्थमेटिक मीन वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको प्रिसीजन बोलते हैं। ओके okay, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एग्जांपल दे सकते हो प्रिसीजन और एक्यूरेसी का? आपको एक ऐसा एग्जांपल देंगे जो आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है? आपने वो देखा था एरो मैन, देखे है ना एरो जो निशाना लगाते हैं, आपने वो डार्ट देखे ना, ऐसे ऐसे मारते हैं हम लोग डार्ट्स को, मारते हैं ना? Yes, ma'am. अब ये जो हमारा जो सेंटर होता है ये क्या होता है, ये होती है हमारी बिल्कुल मेजर करने के लिए कि कोई चीज एक्यूरेट है या नहीं। तो जो इस पॉइंट पे जो एरो लगेगा ना, इस पॉइंट पे जो लगेगा वो एरो क्या होगा, वो होगा हमारा एक्यूरेट वैल्यू, वो होगी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स जो चीज हमें चाहिए एग्जैक्ट वही, ना एक पॉइंट इधर ना एक पॉइंट उधर। समझ गए ना? कि अगर जैसे बोलते हैं ना कि 100 out of 100 भाई उसको 100 में से 100 मिला, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट, ठीक है? मतलब जो एग्जैक्टली जो वैल्यू चाहिए थी वही मिली, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन का क्या मतलब होता है, अगर किसी की वैल्यू 99.9 भी आ गई ना, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। यस मैम। ठीक है? यस मैम। अब समझ आया बेसिक डिफरेंस? क्या? कैसे? रिपीट। अच्छा चलो मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है? मैंने बोला कि जो आंचल है उसके नंबर ना 10 out of 10 आए टेस्ट में, तो ये क्या हो गया? ये हो गई एक्यूरेसी, ठीक है ना? कि जिसमें से चाहिए थे उतने के उतने नंबर आ गए, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अब मैंने बोला जो खुशी है, खुशी के जो नंबर आए हैं वो 9.5 आए हैं 10 out of 10, तो ये क्या है? प्रीसीजन। प्रीसीजन है, ये प्रीसीजन है। क्यों? क्योंकि वो जो एक्यूरेट वैल्यू है जो 10 है, 10 इज कॉल्ड द एक्यूरेट वैल्यू, स्पेसिफाई कर दिया कि 10 है वो एक्यूरेट वैल्यू है। अब 10 के जो आसपास होंगे इधर उधर, ठीक है ना, चाहे 10.1 हो, 2 हो, 3 हो, या 9.1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एनीथिंग, बट 10 नहीं है ना, 10 नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा प्रिसीजन। ठीक है, समझ आया? यस मैम। अब तो नहीं भूलोगे? नो मैम। ठीक है, तो देखो अब पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, यही दे रखा है, ठीक है? जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और जो ट्रू वैल्यू होती है उसका जो डिफरेंस होता है क्या होता है, वो ठीक है? जो हमारे जैसा मैंने एक्सपेरिमेंट लेते हैं ना, उनकी वैल्यूज निकालते हैं, इसी से 36.5 वैल्यू आ गई, 26.5 वैल्यू आ गई, ये हमारी क्या होती है, ये प्रिसीजन होती है, एक्यूरेट है ना? एक्यूरेट वैल्यू थोड़ी ना होती है, उधर उधर होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है ना? हाँ। अब भूलोगे नहीं तुम, केमिस्ट्री भाई, केमिस्ट्री लैब में जाते हो, वहां पे एक्सपेरिमेंट करते हो, तो ये थोड़ी ना है कि जब हम तुम ब्लूअर जो ब्लूअर रेड जो पिंक पिंक वाटर करते हो ना तो क्या हो गया, तो तुम लोग क्या करते हो, वैल्यू सबकी अलग अलग आती है ना, किसी का लाइट पिंक होता है, किसी का डार्क पिंक होता है, आता है कि नहीं आता? है ना? तो वो क्या होती है, वो प्रीसीजन होते हैं, वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, प्रीसीजन होते हैं, ठीक है ना? यस, ठीक है। यस, हेलो। अब बात करते हैं हम अपनी साइंटिफिक नोटेशन की या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन की, ठीक है? अगर मैंने बोला कोई क्वेश्चन है कि जो डिस्टेंस है वो सन का अर्थ से अप्रोक्सीमेटली इतना है, इतने किलोमीटर है, अब इस चीज को तुम 10 की फॉर्म में कैसे लिखोगे, इन द फॉर्म ऑफ 10 कैसे लिखोगे, बोलो?
जो जीरोस हैं उनको काउंट करोगे? पहले काउंट करो कितनी जीरोस हैं। सेवन। अगर मैंने बोला कि सिर्फ हमें ना एक वो एक्यूरेट वैल्यू दे दे, 15 इनटू 10 रेज टू पावर 7 मींस 15 तो है ही, उसके बाद हमारा 7 टाइम्स क्या है, जीरो। ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ना। yes, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, और इसे हम किस टर्म में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं n इनटू 10 रेज टू द पावर n, n दैट इज द एक्यूरेट वैल्यू, और ये हमारी क्या होते हैं, ये हमारे प्रिसीजंस होते हैं, ठीक है? yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अगर आपसे अब मैं ये क्वेश्चन पूछा दैट 138.42, ठीक है, इसको मैं पूछ रही हूँ कि दो डेसिमल प्लेसेस तक इसको क्या एक्यूरेट करो, चलो तो कैसे एक्यूरेट करोगे इसको? मैंने बोला कि जो वैल्यू है 138.42, इसको ना दो डेसिमल प्लेसेस, दो सॉरी एक डेसिमल, वन डेसिमल प्लेसेस तक इसको एक्यूरेट करो, तो कैसे लिखोगे इसको बिटू? मैम 1.38 थ्री होगा। आप बताओ क्यों, टू ही क्यों है, थ्री क्यों नहीं है, समझाओ मुझे। पॉइंट के बाद टू डिजिट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारी थ्री, जितनी हमारी पॉइंट के बाद डिजिट्स होती हैं वो 10 रेज टू पावर में चली जाती हैं। ये इसका क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है। अब जैसे हमने क्या ये वाला एग्जांपल लिया 0.00313842, अब मैंने बोला इसका यहाँ पे मैंने डेसिमल लगाया दैट 1.3842, अब इसको कैसे लिखोगे, अब इसका कैसे वैल्यूज लिखोगे? मैंने इन पॉइंट्स को क्या आगे बढ़ा दिया, कितना आगे बढ़ाया था, 3 और 1 4, 4 से आगे बढ़ाया था, राइट? तो ये हो क्या जाएंगी, अब इनका पॉइंट्स को इधर करेंगे तो अपॉन में लिख देते हैं ना, है ना, लिखते हैं कि नहीं लिखते? 1.3842 × 10^3 -4 क्यों लिखा है, कोई बताएगा मुझे? मैंने +4 क्यों नहीं लिखा, व्हाई डू यू राइट माइनस? जब अपॉन में आ जाता है तो फिर वापस ऊपर आने के लिए माइनस। बिल्कुल वही मैं समझा रही थी, क्योंकि जब हम किसी चीज को डिवीजन में ले आते हैं, जब हम उसको फिर पावर में ऊपर लेके जाते हैं तो दैट वैल्यू विल चेंज, माइनस हमारा प्लस में हो जाता है एंड प्लस हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके वेरी गुड। ओके नाउ अब क्या है, आप लोगों की कुछ साइंटिफिक नोटेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। What do you mean by significant figures? कोई मुझे समझाएगा significant figure का मतलब क्या होता है? Significant figure का क्या मतलब होता है? What? जहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है जहाँ पे कुछ सर्टेन डिजिट होती है, कुछ डाउटफुल होती है कि हमें नहीं पता, मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन कुछ की सर्टेनिटी है कि हाँ ये तो है ही है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन उस सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ 7 रूल होते हैं, ठीक है, 7 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है, हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे जहां पे भी हमारी सारी की सारी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स होंगी। फॉर एग्जांपल इफ आई काउंट लाइक 1.887, तो अब ये सब क्या है, सारी नॉन जीरो डिजिट्स है ना। अच्छा yes, आप लोगों को समझ आ रहा है ना कि नॉन जीरो को क्या मतलब होता है? yes, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं, इसमें कोई जीरो नहीं, यहाँ पे कोई जीरो नहीं होती है। अब कितनी यहाँ पे कोई जीरो है, नहीं है ना, पॉइंट जरूर है बट जीरो नहीं है, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी ये टोटल? अरे वाह। नेक्स्ट रूल है हमारा, जब भी हमारा कोई नंबर ग्रेटर देन 1 हो और सारी की सारी जो हमारी जीरोस हैं राइट साइड में हो डेसिमल पॉइंट के, तो हम क्या कर देंगे, उनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर
91.070. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चे? अरे पहले ये स्टेटमेंट पढ़, अभी तो समझाया मैम, हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन वन हो, हमारा ग्रेटर देन वन तो है ना नंबर, और जितनी भी जीरोस हैं वो राइट में हो डेसिमल पॉइंट के, ये डेसिमल पॉइंट है, ये इसका राइट साइड है, हाँ तो ये हो जाएंगे हमारा फाइव सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है हमारा, अगर कोई नंबर है वो लेस देन वन हो ठीक है, लेकिन जो हमारी जीरो है सिर्फ राइट साइड में हो, तो जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगी वो क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट होगी, बट जो भी जीरो होंगी लेफ्ट में उनको क्या होगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे हम काउंट करते हैं ना 0.2, अब इसको तुम क्या करते हो, 0.2 काउंट करते हो या फिर जीरो लिखते हो? हम लोग बड़े आलसी हैं, हम 0.2 नहीं लिखते, हम 0.2 ही लिखते हैं, लिखते हैं ना? यस मैम। ये लिखते हैं 0.5, लिखते हो नहीं लिखते ना, क्या लिखते हो? 0.5, 0.3, 0.4, 0.1, है ना? तो क्या हो गया, हम ये वाली जीरो है इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, है ना? ठीक है, एक अब नेक्स्ट है, अगर कोई जीरो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाती है तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, जो दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में आनी चाहिए, तभी उसकी वैल्यू होगी, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, लाइक इफ आई हैव 1.01, तो ये जो जीरो है वो किसके बीच में है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है ना, तो हम इसलिए हम इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं डेसिमल प्लेसेस में, तो जो हमेशा आंसर होता है ना वो हमेशा वो यूज करेंगे जिसका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई वैल्यू ली 3.25, 1.5, 6.255, एक में क्या है 3 है, एक में 2 है, एक में 4 है, लेकिन जो एडिशन होगा वो क्या होगा बेटा, हमेशा क्या होगा 2 तक लेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। क्यों? क्योंकि हम ये रूल है कि जब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे जो डेसिमल प्लेसेस होंगे, हमेशा जो आंसर होगा वो किसका होगा, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यही सेम रूल आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होगा। ठीक है बच्चा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ना कि मैथ्स में। यस अच्छा, जो लास्ट चीज है वो है राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ करते हैं ना हम वैल्यूज को, राउंड ऑफ करते हैं। अब मैंने कोई वैल्यू लिख दिया दैट 3.69, तो इसको राउंड ऑफ करके कैसे लिखोगे, कोई बताएगा मुझे? 3.7, चलो वेरी गुड, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 4 लिख सकते हैं इसको? नो मैम, बिकॉज 9 and 6 इज ग्रेटर देन 5। वेरी गुड, तो इसको हम लिखेंगे। अच्छा, मैंने बोला कि 4.9, क्या अब इसको क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो 9 है विच इज इक्वल विच इज ग्रेटर देन 5, अब ये 5 है तो हम जो आगे की वो वैल्यू होती है वो एक इंक्रीज हो जाती है ना, राउंड ऑफ करते हैं तो, है ना? तो ये 4.9 है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोलते हैं, अरे 5 है, जब हम एडिशन करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 4.8 को भी 5 मान के चलते हैं, क्योंकि इजी हो जाता है उस चीज को ऐड करना, है ना? Yes, तो जब भी हम नंबर्स का राउंड ऑफ करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, अगर हमारी डिजिट क्या होती है, ग्रेटर देन 5 हो, तो लास्ट रिटेनिंग जो डिजिट होती है वो इंक्रीज हो जाती है 1 से। ठीक है, अगर हमारी लेस देन 5 हो तो लास्ट जो रिटेनिंग डिजिट है वो एज इट इज रहती है, उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे 12.4, अब ये 12.4 है, ये 4 है, ये 5 से कम है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 भी तो लिखेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 12.5 है तो क्या वैल्यू क्या चेंज होगा, चेंज कुछ इसमें या फिर एज इट इज रहेगा? नो मैम, नहीं होगा। हाँ नहीं होगा मैम। क्यों चेंज नहीं होगा?
क्योंकि ये इंक्रीज हमारा 5 से ज्यादा नहीं है, 5 है, तो वैल्यू हमारी 12 ही रहेगी, डिड नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, ओके, विल रिमेन सेम, ठीक है? यस मैम. और करना चाहोगे? और पढ़ोगे? यस मैम. और पढ़ोगे? यस. टाइम हो गया. नो मैम, खाना खा लो आप, मैं खा लूंगी. थैंक यू सो मच फॉर केयरिंग मी. थैंक यू. चलो हाँ, अब फॉर आई थिंक 2 or 3 minutes रह गए हैं. टिल देन आप लोग मुझे बता दीजिए, अभी हम लोग बातें कर सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है?